संगम। ये द्वांगन नदी है जो बाढ़ में अपने तटों को चौड़ा करती हुई बह रही है। द्वांगन नदी, ये वो जगह है जहाँ से एक लाहौल वाले का मकान बाढ़ में बह गया, जहाँ जगत सुख के श्री उत्तम राम कायस का मकान बह गया। लगने वाले लाहौल वाले दो निवासियों के मकान यहाँ से बह गए। ये श्री कुनखन का मकान जो कि जीर्णावस्था में खड़ा है। अंगन और ब्यास के संगम से कुल्लू की ओर, ये सड़क का हिस्सा जो बाढ़ से बच गया, जिस पर अभी भी कई ट्रक खड़े नजर आ रहे हैं। कलात खराल ब्याल, इसका एक हिस्सा अभी खड़ा है, बाकी खराल ब्याल सारी बाढ़ में बह गई है। नीचे पतलीकूल की ओर जाते हुए ये कलात का दृश्य, और ये बिंदु के ढोक की तरफ को जो दृश्य आपको नज़र आ रहा है, ये बिंदु के ढोक तक का है जो पूरी तरह खड़ा है, परंतु इसकी कुछ इमारतें जर्जर अवस्था में खड़ी हैं, जहाँ कुछ सड़क बची हुई है। रास्ता, और ये नए रास्ते से बहकर जो ब्यास नदी आ रही है, ये धर्मचंद और शिबा नामक दो जगतसुख के निवासियों के मकान यहाँ थे, जिनको बहकर उनके स्थान से बह रही है, जिनको बहाने के बाद उनके स्थान से बह रही है। अल नाले से आलू ग्राउंड की ओर, आलू ग्राउंड के साथ का दृश्य है, जहाँ ब्यास नदी का वास्तविक स्थान और जो बहकर जहाँ हटकर बह रही है वो स्थान, जो कि बगीचों को काट कर बनाया गया है, ये ब्यास नदी का पुराना बहने का स्थान। परिवहन हिमाचल पर्यटन की कर्मशाला, और ये मंडी यार्ड आलू ग्राउंड का, जहाँ से लाहौल के आलू को प्रांत के बाहर भेजा जाता है। इसके नज़दीक से बहने वाले अपने मार्ग से भटककर ब्यास नदी, जो अब काफ़ी इस तरफ आ गई है, जो कि श्री बीसी शर्मा के बगीचे के साथ बह रही है, और अभी भी अपना रास्ता इधर से ही बनाए हुए है। नाले की ओर ब्यास नदी, जो अपने वास्तविक रास्ते से हटकर नए रास्ते से बह रही है। आलू ग्राउंड की बची हुई इमारतें, जिनके चारों ओर से पानी घुसा हुआ है, पत्थर निकले हुए हैं, ये स्थान जहां सरस्वती विद्या मंदिर की इमारत खड़ी थी, अब पूरी तरह से वीरान है। हुए श्री भगतराम की आरा मशीन और इससे ऊपर का दृश्य। बाणुपुल की ओर, ये डाबरा होटल जो कि ब्यास नदी के चपेड़ों में अभी भी खड़ा है, एक तरफ से ब्यास नदी अभी भी इसे छू रही है। डाबरा होटल, डाबरा होटल से बाणुपुल की ओर, बानू पुल का वह स्थान जहाँ पुल नहीं है, नदी जो है ब्याल की तरफ को घुसी हुई है मार्ग, परंतु नदी जहाँ से बाढ़ के बाद बही वही स्थान है। 3 सितंबर को यहाँ हरे भरे बगीचे थे, आबादी थी, बस्ती थी, परंतु अब यहाँ पर सन्नाटा है, वीराना है। मनाली की ओर रांगड़ी गांव, बानू गांव के कुछ मकानात, जिनको इस टीले के परली तरफ से ब्यास नदी ने पूरे जोर के साथ नदी में उतार दिया है, ये गांव भी अब सुरक्षित नहीं है।
इस 24 घंटे के बाढ़ के बावजूद ब्यास नदी में बाणु पुल के समीप बचा हुआ यह टापू ये किसी देवी कृपा का ही प्रमाण है।